दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की बहुत ही सेम फेमस बहुत ही शानदार एसयूवी महिंद्रा ऑल न्यू थार के बारे में। आज मैं इसकी सारी डिटेल्स प्राइस फीचर्स आपके सामने रखूंगा, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो ये महिंद्रा थार का बेस मॉडल आप देख रहे हैं AX, इसके ऊपर आता है AX ऑप्शनल, उसके ऊपर आता है टॉप मॉडल LX जो कि हॉट टॉप के साथ में आता है, और जो AX ऑप्शनल है उसमें आपको कन्वर्टेबल रूफ मिलती है। और ये सॉफ्ट टॉप आप देख रहे हैं बेस मॉडल, इसमें काफी सारे फीचर्स ऐसे मिलते हैं जो आपको टॉप मॉडल में भी मिल जाते हैं और बेस मॉडल में भी आपको मिल जाते हैं। तो वो सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ मैं इसकी एक्सरूम प्राइस ऑन रोड प्राइस वगैरह भी बताऊंगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके फ्रंट लुक से बात कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, जो इसका सबसे ऊपर है इसमें आपको सॉफ्ट टॉप मिल जाता है, और इसका ग्लास एरिया आप देख सकते हैं काफी शानदार ग्लास एरिया मिल जाता है आपको। और यहाँ पे बोनट आप देख सकते हैं कि जो उसका बोनट का लुक है काफी शानदार लुक है। और यहाँ पे आपको हाइलोजन हेडलाइट मिलती है, और यहाँ पे आपको DRS नहीं मिलते, इंडिकेटर्स मिलते हैं। और यहाँ पे आपको महिंद्रा की बैजिंग मिल जाएगी। ये इसकी ग्रिल है ब्लैक फिनिश में, टॉप मॉडल लेते हैं जिसमें आपको सिल्वर और ब्लैक फिनिश मिलती है। और ये इसका बम्पर है जो कि काफी शानदार काफी स्ट्रांग है। और यहाँ पे आपको फोग लैम्प का फ्रीजन मिल जाएगा, आप फोग लैम्प लगवा सकते हैं। बाकी आप यहाँ से बोनट को खोल सकते हैं कुछ इस तरह से। मैं इसका आपको इंजन भी दिखा देता हूँ, बहुत ही पावरफुल इंजन इसमें आपको मिलता है। इसमें आपको महिंद्रा थार में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शन में आपको मिल जाते हैं। और यहाँ से आप जब पुल करेंगे तो यहाँ से खोल पाएंगे इस बोनट को। और ये है इसका इंजन 2.2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर पावरफुल एमहॉक टर्बो चार्ज डीजल इंजन, जो कि 130 BHP की पावर जनरेट करता है 300 Nm के टॉर्क पर। और ये इसका इंजन है जो कि काफी पावरफुल है। यहाँ पे एमरॉन की बैटरी दी गई है, काफी स्पेसियस इंजन मिलता है आपको, काफी पावरफुल। और मैं इसकी साउंड भी आपको सुना देता हूँ। दोस्तों जो इसकी साउंड है वो काफी बढ़िया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों जो इसका पेट्रोल इंजन है वो 155 BHP की पावर जनरेट करता है 320 Nm के टॉर्क पर, वो आपको पेट्रोल इंजन मिलता है। और ये डीजल इंजन है, इसमें आपको एमहॉक इंजन मिलता है, जो स्कॉर्पियो में आपको इंजन मिलता है एमहॉक 130 की यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी। और ये इसका साइड प्रोफाइल लुक है जो कि काफी शानदार है लुक है। इसमें आपको 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि टॉप मॉडल में आपको 227 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। यहाँ पे इसके टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको 245/75R16 इसकी आपको स्टील व्हील्स मिलते हैं। और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे। ये इसके फुट स्टेप हैं, यहाँ पे डोर हैंडल दिए गए हैं। इसमें आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि बेस मॉडल में भी मिल जाते हैं, और ये आपको टॉप मॉडल में भी जो प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे आपको थार की बैजिंग मिल जाएगी, और यहाँ पे फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाएंगे, इसके व्हीलर्स पे काफी बड़े व्हीलर्स मिलते हैं यहाँ पे। चलते इसके रियर प्रोफाइल लुक में बात करते हैं। यहाँ पे आपको 4x4 का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे इसकी रियर प्रोफाइल लुक की बात करें तो काफी शानदार रियर प्रोफाइल लुक है। ये फुट स्टेप दिए गए यहाँ पे, और ये इसका स्पेयर व्हील टायर है। ये इसकी टेल लाइट है जो कि LED टेल लाइट है। यहाँ पे आपको थार की ग्राफिक मिल जाएगी। यहाँ पे रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं दो, ये जो है रिफ्लेक्टर है, फोग लैम्प यहाँ पे आपको बल्ब नहीं मिलता। इसके अप्रोच एंगल की बात करें तो यहाँ पे आपको 41 डिग्री का अप्रोच एंगल मिल जाता है। वहीं पे इसके डिपार्चर एंगल की बात करें तो ये आपको 27 डिग्री का डिपार्चर एंगल मिल जाता है, तो काफी हेल्पफुल है ऑफ रोडिंग में। और ये इसकी सेकेंड केबिन, अंदर जाने के लिए यहाँ पे फुट स्टेप दिए गए हैं। ये इसकी है लेदर वेनाइल सीट्स जो कि आपको बेस मॉडल में भी आपको मिल जाती है, तो एक अच्छी चीज है। यहाँ पे 4 पैसेंजर जो है काफी आसानी से बैठ सकते हैं। यहाँ पे लेग रूम की थोड़ी समस्या होगी, तो यहाँ पे लेग रूम की थोड़ी समस्या होगी, बाकी जिनकी हाइट कम है तो वो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे जिसकी हाइट ज्यादा है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ये इसका रूफ आप देख सकते हैं,
ये इसका डैशबोर्ड है। चलते हैं ड्राइवर साइड डोर पे, देखते हैं वहां पे आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं बेस मॉडल महिंद्रा थार में। यहां से आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। डोर पे आपको स्पीकर वगैरह नहीं मिलता इसमें, म्यूजिक सिस्टम इसमें आपको नहीं मिलता। यहाँ पे बोतल होल्डर वगैरह मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये डोर हैंडल्स, ये इसके पैडल्स हैं, ये इसकी सीट्स है जो कि फोक्स लेदर सीट मिलती है आपको बेस मॉडल से। काफी बढ़िया सपोर्ट दिया गया है, लेग और थाई सपोर्ट। यहाँ पे हेडरेस मिलेंगे, यहाँ पे आपको लाइट मिलेगी। कुछ ऐसा है इसका रूफ, काफी शानदार डैशबोर्ड इसमें आपको मिल जाता है, इसमें आप म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी लगवा सकते हो। ये इसका ग्लो बॉक्स है, ये हैंडल बार, ये एसी वेंट्स आपको ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाती है। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे आपको एमआईडी भी मिल जाती है और यहां से आप सेट भी कर सकते हैं इसे। ये डोर अजर वार्निंग वगैरह सब कुछ बताएगा, टोटल ट्रिप मीटर किलोमीटर, और यहाँ पे आपको बताएगा ओडोमीटर, फ्यूल गेज वगैरह सेटिंग वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरफ है आरपीएम मीटर, और इस तरफ है स्पीडोमीटर, और इस तरफ है इसके लाइट के कंट्रोल्स, उस तरफ है आपको वाइपर के कंट्रोल्स। ये इसका स्टीयरिंग व्हील्स है, कुछ इस तरह की मिलती है इसमें आपको, सिंपल की मिलेगी। आप चाहे तो पावर डोर लॉक सेंट्रल लॉक लगवा सकते हैं इसमें आप। यहाँ पे हेडलाइट बीम के एडजस्टर मिल जाते हैं, यहाँ पे स्पीकर प्रोविजन दिया गया है ताकि आप भविष्य में लगवा सकें। और यहाँ पे आईआरबीएम दिया गया है इसका, ये इसके नाइटी मीटर यहाँ पे मिल जाते हैं। को ड्राइवर साइड, ड्राइवर साइड आपको नहीं मिल पाते। बाकी यहाँ पे एसी वेंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे हेजार्ड लाइट के बटन दिए गए हैं, ये इसके एसी के कंट्रोल्स हैं। बाकी यहाँ पे एसी इको के ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट का डीसी पॉइंट भी आपको दिया गया है। यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग वगैरह की इंडिकेटर्स वगैरह देख सकते हैं आप। ये इसका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पे आपको 4 व्हील हाई लो का भी गियर बॉक्स मिल जाता है, और यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है मोबाइल वगैरह रखने के लिए। ये इसका पावर विंडो के कंट्रोल्स है, यहाँ पे हैंडब्रेक मिल जाता है आपको, ये 2 कप होल्डर्स। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एबीएस, सीबीटी, डुअल एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इम्यूलाइजर, एंटी ट्यूब डिवाइस जैसे सेफ्टी फीचर्स में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों इसकी एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो जो इसकी एक्सोरूम प्राइस है वो 10,80,000 रुपए है, इसकी ऑन रोड प्राइस है 13,13,000 रुपए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको बेस मॉडल महिंद्रा थार का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आप नए हैं तो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए आपको नमस्कार।